प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में एक नई अपडेट लेकर आया हूं, और ये अपडेट आपका एलआरसी में जो 10,101 पद पे बहाली निकाली गई थी स्पेशल सर्वे के लिए, जिसमें अमीन कानूनगो क्लर्क एसओ पद के लिए, तो उसमें जो है 50% वेटिंग लिस्ट का प्रावधान जो है आपका नोटिफिकेशन जब जारी किया गया था 2023 में, तो उसमें बताया गया था कि 50% जो है वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा। तो उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हुआ है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगभग 2.5 टाइम्स कैंडिडेट्स को जो है आपका कॉल किया गया, और जो मेरिट लिस्ट आपका बना है ना, मेरिट लिस्ट जो बना, मेरिट लिस्ट में 1 टाइम्स को मतलब सिलेक्शन हुआ, मतलब जितना सीट था उतना का सिलेक्ट हुआ, बट कुछ सीटें खाली रह गई ड्यू टू नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स। तो अभी भी लगभग जो है 1.5 टाइम्स कैंडिडेट्स जो है वेट कर रहे हैं कि 50% जो वेटिंग लिस्ट है वो कम से कम जारी किया जाए। कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी रिजेक्ट हुए, बट फिर भी अप्रोक्सीमेटली 1.5 के आसपास ही रहेगा, ज़्यादा लोग रिजेक्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 50% जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी किया जाना चाहिए, जो कि मेरिट लिस्ट के साथ में, बट वो किया नहीं गया। और अक्टूबर महीने में अगर बात किया जाए तो कई बार कई सारे स्टूडेंट एलआरसी ऑफिस को विजिट किए, बट वहाँ पे आश्वासन यही दिया गया कि इस पे हम काम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्द इसको लेकर जो है कोई ना कोई नोटिस देखने को मिलेगा, बट अब तक कोई नोटिस देखने को नहीं मिला। तो क्योंकि दिवाली और छठ पूजा का जो है यहाँ पे आपका छुट्टी है, हा? ठीक है, तो छुट्टी के कारण आपका जो काम था वो ऑफलाइन जो ऑफिस में जाकर काम करने थी वो आपका रुक गया, क्योंकि डिपार्टमेंट वगैरह कई सारे जो है छुट्टी थी, और कैंडिडेट भी जो है नहीं पहुंच पाए क्योंकि सभी लोग अपने अपने घर पे चले गए। तो उसको लेकर जो है एक न्यूज़ आपका जो है न्यूज़ चैनल पे आया, और कई सारे माध्यम से लोग जो है अवेयर करवा रहे हैं कि ताकि डिपार्टमेंट्स को या सीएम ऑफिस को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब मेल करेंगे तो उसका रिस्पांस जो है आएगा। तो एक मेल किया गया था, ऐसे मेल तो बहुत सारे लोगों ने किया और लगभग कई सारे लोगों को रिप्लाई भी मिला। रिप्लाई में क्या मिला कि जो सीएम ऑफिस है वहाँ से जो है आपका एलआरसी डिपार्टमेंट या जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है उसको जो है फॉरवर्ड किया गया है, बस यही इंफॉर्मेशन जो है शेयर किया गया है ना, किसी को 2 नवंबर का तो किसी को 3 नवंबर का नोट है, जो कि सब्जेक्ट आपका एलआरसी वेटिंग लिस्ट जारी करें के रिगार्डिंग आपका यहाँ पे है। तो इसको लेकर आज अगर बात किया जाए तो 4 नवंबर को एक पोस्ट जो है यहाँ पे शेयर किया गया है, जो कि फेसबुक पेज पे है ना, कहाँ पे सॉरी फेसबुक पेज पे, जो कि विजन ऑफ नीतीश कुमार। तो इसमें जो है कई सारे कैंडिडेट ने जो है कमेंट किया है कि एलआरसी डिपार्टमेंट में 2000 से ज़्यादा सीट खाली है, कृपया कर उसे जल्द से जल्द भरने की कृपा करें, है ना। यहाँ पे एक और है यहाँ पे जिन्होंने कहा है, तो कई सारे मतलब कमेंट्स हैं यहाँ पे, तो बस मैं कुछ सैंपल यहाँ पे बस डाला हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझो। और देखो, डिपार्टमेंट्स के पास
तो इन्फॉर्मेशन जा रही है लेकिन उस पे कोई एक्शंस नहीं लिया जा रहा है ना। सीएम ऑफिस से भी जो है इस तरीके के मेल कई बार और भी किया गया था लेकिन उसका ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर आपको और बेटर इम्पैक्ट उसमें चाहिए तो उसके लिए आपको जो है फिजिकली प्रेजेंट होना होगा और वो आप सब ग्रुप में मिलकर ही जब एलआरसी ऑफिस में जाकर बार बार जाकर बात करेंगे तभी ये चीजें पॉसिबल है। क्योंकि आप अगर देखा जाए तो एक बार संभावना दिया गया कि आपका काम चल रहा है लेकिन फिर बाद में जो है उस चीज को कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो जैसे ही छठ पूजा खत्म हो उसके बाद आपको एक बार फिर से फिजिकली जाकर शांतिपूर्वक ज्यादा कुछ हंगामा वगैरह नहीं करना, बस जाकर अपनी बात रखना कि कब तक जो है आपका जो 50% वेटिंग लिस्ट जारी करने की बात की गई है वो आखिर कब तक जो है जारी किया जाएगा, है ना, कब तक वो आपका जारी किया जाएगा, ताकि जो भी उसमें इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अपना भाई ज्वाइन करेंगे। तो आपको फिजिकली सभी के साथ मिलकर आपको एलआरसी ऑफिस जाना पड़ेगा तभी ये चीजें पॉसिबल है। तो आप लोग जो है डिसाइड करिए कि 9 से 15 नवंबर के बीच में आप एक बार एलआरसी ऑफिस जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि सिलेक्शंस आपका होने वाला है, जॉब्स आपको मिलने वाली है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा एंड जो भी अपडेट्स आएंगे चाहे वो छोटा अपडेट्स हो या बड़ा अपडेट्स हो आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। ओके एंड अपने तमाम साथियों के साथ इसे शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। थैंक